नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल VZR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आप लोगों को क्या ईटा पत्थर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर एक नया अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि टूरिस्ट प्लाजा है। तो दोस्तों, वही दिखाने के लिए मैं आज आप लोगों को आया हूँ कि किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है, और आपको उसकी ताज़ा तरीन स्थिति में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी आप पत्थर देख रहे हैं, ये सारे मतलब निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और जल्द ही जो पत्थरों का लगाने का काम है वो अभी चल ही रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से दिखा रहा हूँ कि जो निर्माण कार्य है उसकी यथास्थिति क्या है, और अब मैं आपको पूरी डिटेल भी इसकी दूंगा। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग दशाश्वमेध घाट पर बन रहे 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने आए हैं। और दोस्तों, सामने अभी आपने जो देखा वो काशी विश्वनाथ धाम का सिंह द्वार था, और ये गौ माता हमारी जो है उनको किसी ने ये एक चादर उड़ाई है जो कलरफुल काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों, अभी हम लोग हैं इस वक्त गुदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर, और आज मैं आप लोग को यहाँ पर बन रहे जो टूरिस्ट प्लाजा है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और दिखाऊंगा कि यथास्थिति इस वक्त क्या है, और निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है, हुआ है या नहीं हुआ है। और जो घाटों पर मतलब जो दशाश्वमेध घाट के राइट साइड में जो मार्ग है, ये देखिए लेफ्ट साइड जो मार्ग है दोस्तों, ये गुदौलिया दशाश्वमेध मार्ग है जो सीधे आपको घाट पर लेके जाता है। दोस्तों, मैं आपको चौतरफा चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बिल्डिंगों पर कलर भी एक रंग का कर दिया गया है, जो एक अलग योजना के तहत किया गया है दोस्तों, वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत। और इन जो दोनों साइड के जो बिल्डिंग हैं उनको सुंदर बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, बिल्डिंगें काफ़ी खूबसूरत अब लगती हैं। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर लगाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, जो गुदौलिया दशाश्वमेध मार्ग के राइट साइड में जो आप रास्ता देखते हैं वहाँ पे अब पत्थर लगाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी पत्थर लग चुके हैं, और जहाँ जहाँ पे बाकी है वहाँ पे लगाया जा रहा है फिर से। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि पत्थर लगाने का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों, आइए आपको पूरी डिटेल देता हूँ इसकी, कि जो अपना टूरिस्ट प्लाजा बन रहा है वो उसकी यथास्थिति क्या है। दोस्तों, विश्वविख्यात जो अपना काशी है, वहाँ गंगा घाटों के किनारे आने वाले जो समय में ये जो टूरिस्ट प्लाजा दोस्तों बन रहा है, ये विकास की गाथा बनारस के घाटों में मतलब इसकी बताई जाएगी उसमें। और शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट के बीच में जो त्रिकोण बन रहा है, इसी पर ये प्लाजा जो है ये बन रहा है दोस्तों। और आपको बताना चाहूँ कि इसमें लगभग 180 दुकानें होंगी। और ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर पत्थर लगाने का काम चल रहा है, मैं आपको आगे चल के प्लाजा की डिटेल भी दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, आपको सामने से दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक पत्थर लग गया और कहाँ तक अब लगा रहे हैं लोग। और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, देखिए इसमें साइन बोर्ड भी नए तरह का लगाया गया है। जितने भी हेरिटेज जगह हैं वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड हम लोग लगा मतलब जो सरकार है वो लगा रही है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मान महल से चंद कदम की दूरी पर ही दशाश्वमेध घाट किनारे 26,000 वर्ग फीट एरिया में ये टूरिस्ट प्लाजा जो है वो बन रहा है, और बेहतरीन सुविधाओं से ये लैस होगा। दोस्तों, वीडीए का जो प्लान है उसके मुताबिक लगभग 28 करोड़ रुपये से एक 3 मंजिला वातानुकूलित टूरिस्ट प्लाजा पर्यटकों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों लॉज और मॉडर्न कैफेटेरिया के साथ ही बनारस से परिचित कराने वाली जो पुस्तकें होंगी उसकी लाइब्रेरी, सूचना केंद्र, पार्किंग आदि की भी सुविधाएं दोस्तों दी जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इसकी जो यथास्थिति है, जो ये प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति है इस वक्त। दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि इसमें 200 लोगों को समथिंग बताया गया है कि दुकान दी जाएगी, जो आसपास के दुकानदार हैं, और सैकड़ों लोगों को इसमें दोस्तों रोज़गार भी मिला है। दोस्तों, वाराणसी विकास प्राधिकरण की जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि ये 3 मंजिला जो कॉम्प्लेक्स है इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 68, अपर ग्राउंड फ्लोर जो रहेगा उस पर 42, और बेसमेंट में लगभग 72 दुकानें बनाई जाएंगी।
दोस्तों यहाँ ऐसी व्यवस्था होगी कि बनारस जो भी पर्यटक मतलब आ रहा है वो एक साथ बैठ के पूड़ी जलेबी कचौड़ी ठंडाई लस्सी मलाइयों और बनारसी पान सब एक के जगह उसको मिल जाए। अभी तक क्या है कि इधर उधर भटकना पड़ता है कि भैया कहाँ मलाइयों मिलता है कहाँ ये मिलता है। मान लीजिए जो लोग सक्षम लोग हैं वो तो जाकर आनंद ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोग बुजुर्ग लोग हैं जो कई लोग नहीं जा पाते हैं तो उन लोगों को ये काफ़ी सहूलियत देगा कि एक ही जगह उनको ये सारी चीज़ें मतलब मिल जाएंगी। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँ कि बुजुर्गों के लिए या इस कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों के साथ साथ बुजुर्गों और दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए सुविधा के लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर का भी प्रावधान किया गया है दोस्तों। साथ ही जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर पर्यटकों के आराम से बैठने के लिए स्टोन फ्लोरिंग और पाथवे भी दोस्तों बनाए जाएंगे। तो पर्यावरण संरक्षण का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा, तो साफ मतलब हरियाली भी की जाएगी। और ये दोस्तों जो आप दुकानें देख रहे हैं ये दुकानें हो सकता है कि सड़क चौड़ी की जाए और ये दुकानें इस टूरिस्ट प्लाजा में शिफ्ट की जाए। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये जहाँ पे बन रहा है पहले यहाँ पे साइकिल स्टैंड हुआ करता था, मतलब साइकिल और मोटरसाइकिल जो है वो यहीं पे खड़ी होती थी। फिर दोस्तों यहाँ पे जब ये काम शुरू हो गया तो फिर टू व्हीलर पार्किंग वहाँ पे जो गदौलिया का मेन चौराहा है वहाँ पे बन गया है, तो वहाँ पे पार्किंग होगी। यहाँ पर लोग सिर्फ पैदल आ सकेंगे क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाइकें लेकर आते हैं। वो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, चालू नज़रिए में चल रहा है अभी, वो आगे नहीं चलेगा। आगे उसमें बोलार्ड वगैरह लग गए हैं तो बाइक वगैरह लोग लेके सीधे नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर पैदल ही सिर्फ चल पाएंगे। वॉकिंग प्लाजा होगा ये। तो दोस्तों एक नज़र में आपको इसकी जो डिटेल्स है ये जो प्लाजा है उसकी मैं बता देता हूँ। दोस्तों इसमें 3 मंजिला भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। भवन में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी दोस्तों। जो पर्यटक होंगे उनके लिए ओपन कैफेटेरिया खुलेगा लास्ट फ्लोर पे ऊपर, मतलब एकदम आकाश के तले बैठकर और आराम से खुले में और सामने गंगा का नज़ारा देखते हुए पूड़ी जलेबी चाटने का आनंद ही अलग होगा दोस्तों। आगे जब आप आएंगे जब ये बन जाएगा तो ये देखिए मैं आपको चौतरफा दिखा रहा हूँ कि इसकी यथास्थिति क्या है, मतलब अभी तक कहाँ तक बन गया है, कितना बना है, क्या चल रहा है इसमें काम, वो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आप समझ पाएँ कि जो विकास कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसमें सूचना प्रसारण केंद्र भी बनाया जाएगा। विश्वनाथ मंदिर के गेट से टूरिस्ट प्लाजा तक पाथवे का निर्माण होगा। चितरंजन पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा दोस्तों। कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है दोस्तों 3,082 वर्ग मीटर में हो रहा है, तो जो लोअर फ्लोर है वो 991, अपर फ्लोर जो है 922 और प्रथम तल जो है 922 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रहा है। और इस परियोजना में लगभग 28.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और दिसंबर 2021 तक इसका कॉम्प्लेक्स को पूरा कर लेने का लक्ष्य है दोस्तों। देखिए शायद हो सकता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही इसका लोकार्पण किया जाए। ये देखिए मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, मेसर्स चिन्मय कंस्ट्रक्शन करके ये कंपनी है जो इसको बना रही है, तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। और इस वक्त दोस्तों दशाश्वमेध प्लाजा का काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पर लगभग 24 घंटे काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द इसे जनता के लिए सुपुर्द किया जा सके और जो श्रद्धालु हैं उनको इस टूरिस्ट प्लाजा का लाभ मिल सके। दोस्तों इस टूरिस्ट प्लाजा की मुझे सबसे जो आकर्षक चीज़ लगती है वो लगती है कि जो ऊपर छत पर बैठ के खाने का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, तो दोस्तों मतलब जो ट्रैवलर लोग होते हैं मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। जैसे मैं कलकत्ता में गया था तो कलकत्ता में गंगा के किनारे एक होटल है, वहाँ पे छत पे बैठ के मतलब इस तरह का खाने की व्यवस्था थी और वो नज़ारा बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों। कलकत्ता में बड़ी बड़ी नावें चलती हैं गंगा जी में और लाइटें जलती रहती हैं उस पे, और सामने जब आप मतलब मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो वो जो किनारे का दृश्य होता है वो इतना भव्य होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन आएगी हमारी अपकमिंग वीडियोस की। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आज की वीडियो हम लोग दोस्तों यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।